अरे दीदी, ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई पीछे पड़ा है क्या? कौन? पुलिस? मैं क्या तुम्हें चोर लगती हूँ? तो फिर गुंडे? रुको आप, आज तो इन गुंडों की खैर नहीं। ये चुप रहो ना, गुंडे पीछे नहीं पड़े। तो फिर ऐसे छुपी क्यों हो? वहाँ पर कुत्ते हैं, हमें देखेंगे तो हमारे पीछे पड़ेंगे और शायद काट भी ले। मैं कब से यहाँ गर्मी में खड़ी हूँ बिना आवाज किए, वो यहाँ से जाए तो मैं आगे जाऊँ ना। अरे बस इतनी सी बात, चलो मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं आऊंगी। अरे भरोसा रखिए दीदी। तुम पर तो रख लूँ, लेकिन इन कुत्तों का क्या करूँ? अरे मुझसे ज्यादा भरोसे के लायक तो ये कुत्ते हैं, कुछ नहीं होगा, चलो ना। नहीं, मैं यहाँ से तो नहीं जाऊंगी। तो फिर एक दूसरा रास्ता है, लेकिन वो इस रास्ते से थोड़ा लंबा है, चलेगा? चलेगा चलेगा, पर वहाँ पर कुत्ते तो नहीं होंगे ना? वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपको जहाँ जाना है वहाँ आपको पहुँचा जरूर सकती हूँ। चलो तो फिर। चलो। और ये मेरा घर। मम्मी मम्मी, देखो तो मैं क्या लाई हूँ, अब आ रहा हूँ। तो अब क्या लाई हो? देखो देखो। अरे पागल, ऐसा बोलते हैं क्या लाई हूँ? ऐसा बोलते हैं मम्मी देखो कौन आया है? सब एक ही तो बात है। नहीं, अलग बात है। आइए ना, आप बैठिए। परी जा पानी लेके आ, कहीं बाहर से आई लगती है। हाँ, किसके घर जाना है? किसी के घर नहीं जाना। तो फिर लगती तो बड़े शहर की है, यहाँ गांव में कैसे आना हुआ? वो मैं किसी सरकारी काम से यहाँ आई। मम्मी, मैंने इन्हें पूरा गांव घुमाया और इनसे बहुत सारी बातें भी की, लेकिन मैंने कुछ भी करके इनको मेरा नाम और हमारे घर का पता नहीं बताया। हूँ ना मैं बड़ी होशियार? हाँ, बड़ी होशियार है। पता नहीं बताया, सीधा घर लेके आ गई। तो मैं चलूँ? अरे आप बुरा मत मानिए, मैं तो इसे सुना रही हूँ, ये ना बड़ी शैतान है।
आप आज ही वापस चली जाएंगी या? नहीं, एक हफ्ता तो रुकना पड़ेगा शायद। यहाँ गांव में किसी को पहचानती है आप? नहीं। तो फिर पंचायत के मकान में ही रहूंगी। पंचायत का मकान भी ऐसा ही है, छोटा सा, और वो भी दूर खेतों में। वहां आप अकेली पड़ जाएंगी, यहीं रह जाएंगे ना? यहाँ हम दोनों ही रहते हैं। और परी के पापा? ओ सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं परी, इनका सामान ले लो। नहीं नहीं, मैं पंचायत के मकान में ही रहूंगी, वो यहाँ से दूर है तो मेरे लिए ही अच्छा रहेगा। क्यों, आपको यहाँ रहने में दिक्कत है? आपके घर में बल्कि सारे गांव में कितने एनिमल्स हैं, यहाँ तो लोगों से ज्यादा एनिमल्स रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि एनिमल्स के बीच लोग रहते हैं या लोगों के बीच एनिमल्स। अब मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, ये कितने गंदे हैं। और आपका तो घर इनसे ही चलता होगा, तो फिर मैं यहाँ रहकर आपका धंधा बंद कैसे करवा सकती हूँ? ठीक है, आप वहाँ पर रहिए, पर खाना यहाँ खाइएगा। हाँ नहीं नहीं, पंचायत वाले कर देंगे, वो भी हम ही से कहेंगे, यहाँ से शहर थोड़ी जाएंगे खाना लाने। आप यहीं पे आके खाना खाइएगा, इसी बहाने हमारी बातचीत भी हो जाएगी। अब देखो, मना मत करना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। परी, इनको पंचायत के मकान तक छोड़ा। आपका नाम क्या है? पायल। वाह कितना अच्छा नाम है, चलो चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, जाती हूँ। सुनो, ये पशु धंधा नहीं, हमारा परिवार है। इतनी दूर और इतना छोटा। मैं और माँ आपको यही तो समझा रहे थे, चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, उस गोबर की बदबू के बीच मैं नहीं रह सकती। अच्छा है गांव से दूर रहूंगी, अपना काम जल्दी खत्म करके जल्दी जल्दी घर चली जाऊंगी। दीदी आपको अपने घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? देखो परी, बुरा मत मानना, ऐसे चारों ओर एनिमल्स के बीच कोई पूरा दिन कैसे रह सकता है? उनके लिए तो अलग जगह होनी चाहिए ना, जैसे जंगल। दीदी जंगल हमने रहने ही कहाँ दिए, और ये थोड़ी जंगली जानवर है, ये सब तो पालतू है, घरेलू है। और मेरी गाय है ना सांची, उसकी तो बात ही अलग है। अच्छा तो बताओ कैसे? मेरी माँ तो मुझे डांटती है, लेकिन सांची मुझे कभी नहीं डांटती। और जब मेरा और माँ का झगड़ा होता है ना, तो सांची हमेशा मेरा पक्ष लेती है। तुम बहुत भोली हो परी। अरे पर यहाँ तो ताला है, और इसकी चाबी किसके पास होगी? इसकी चाबी तो बहादुर चाचा के पास होगी, को मैं अभी बुलाती हूँ। बहादुर चाचा, अरे ओ बहादुर चाचा, देखो तो मैं क्या लाई हूँ, देखो तो मैं किसे लाई हूँ। बहादुर चाचा, लगता है यहाँ तुम्हें सब जानते हैं। हाँ ये मेरा गांव है, और मैं इस गांव की परी हूँ। अरे परी चिल्लाती क्यों हो, यहीं पर तो हूँ, कहीं बात थोड़ी ना गया हूँ। अरे थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती हो क्या? चिल्लाती तो ऐसे हो जैसे मैं पंचायत घर छोड़कर गांव में टहलने निकल गया हूँ। बताओ क्या बात है? बहादुर चाचा देखिए मैं क्या लाई हूँ, माफ करना, देखिए मैं किसे लाई हूँ। बताइए क्या काम है? मैं पायल शर्मा, आपको बताया होगा ना मैं आने वाली थी। अरे हाँ 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 हाँ, जादव जी ने बताया था कि आप आने वाली हो, और ये भी कहा था कि आपको स्टेशन से ले जाना था, और ये भी कहा था कि आप यहाँ रुकने वाली हो, और कहा था कि साफ सफाई भी करवानी है,
और क्या कहा था वो खाने का इंतजाम भी करवाने को कहा था पर क्या भूल गया। दीदी अगर आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो इस बहादुर को मत बताना, ये भूल जाता है, आप मुझे बता देना। पर अब क्या करेंगे? मैं साफ सफाई तो मैं खुद कर दूंगा। परी खाने का इंतजाम तुम अपने घर से करवा दो। इतनी सी भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं आपको, मैंने अपने घर ले जाकर ही खाना खिला दूंगी। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात कही है इसने। अब ताला खोलेंगे अब? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। परी अब तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। लेकिन दीदी शाम के खाने के वक्त जरूर आ जाना। ठीक है, तुम जाओ। हाँ। कहाँ थी तुम? दीदी को बुलाने भेजा था ना, कहाँ थी? हाँ पर माँ। पर क्या? हाँ गांव में भटकते भटकते भूल गई। हाँ एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, अब जाओगी दीदी को बुलाने या फिर मैं खुद जाऊँ? पर माँ मेरी बात तो सुनो। बात तुम करती कहाँ हो, सिर्फ बहाने बनाती हो। मुझे सब पता है, वो बहादुर मिल गया होगा तुम्हें, वो खुद तो भुलक्कड़ है ही और बातों बातों में तुम्हें भी बुला दिया होगा। यही ना कि और कुछ? माँ आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रही हो, आपको तो बस बहाना चाहिए होता है मुझे डांटने का। डांट लिया, मन भर गया आपका, और डांटना? जाओ मुझे बात नहीं करनी आपसे। परी बेटा मुझे लगा कि दीदी को भूख लगी होगी इसीलिए नाराज हो गई थी। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी आपसे। देखा ना सांची तुमने, माँ मुझे कैसे डांटती है। एक तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सांची तुम मेरी सच्ची दोस्त हो ना, तो आज माँ को दूध मत देना। माँ को भी तो पता चले कि परी अकेली नहीं है, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी माँ ने मुझे कितना डांटा। मैं गई थी दीदी को पंचायत घर बुलाने, लेकिन दीदी घर पर थी ही नहीं। मैं बहादुर के पास बैठी जरूर थी, लेकिन वो तो मैं दीदी की राह देख रही थी। अरे परी ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? माँ देखो तो कौन आया है।
दीदी आपको सांची नहीं दिखती, मेरी और सांची की बात चल रही है। अच्छा तो क्या बात चल रही थी? अपनी ही माँ की फरियाद कर रही होगी और क्या। हाँ तो क्यों ना करो, गाय भी तो माता ही होती है ना, और सांची तो मेरी अच्छी वाली माँ है, वो मुझे आपकी तरह डांटती भी नहीं है। अच्छा चलो अब सब खाना खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना। अरे इसे क्या हुआ, इतनी नाराजगी? आपको बुलाने भेजा था तो भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा डांट दिया। मैं भूली नहीं थी, मैं पंचायत घर गई थी दीदी को बुलाने, लेकिन दीदी घर पर थी ही नहीं। हाँ ये सच कह रही है, मैं पास के गांव में गई थी। देखा देखा ना सांची तुमने, मैं सच बोल रही थी, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मेरी प्यारी परी, मेरी गलती हो गई, अब अपनी माँ को माफ कर दो और चलो खाना खा लेते हैं। सांची तुम कह रही हो ना इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना मैं तो बहुत गुस्से में थी। अच्छा परी अब चलो, दीदी को बहुत भूख लगी है। दीदी कल से आप खाने के वक्त से पहले आ जाना, नहीं तो माँ फिर मुझे डांटेगी। कल से तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, कल से आप किसी और के घर खाना खाने जाने वाली हो, माँ के हाथ का खाना आपको पसंद नहीं आया क्या? बहुत पसंद आया, और आपके घर के जैसा मक्खन तो मैंने कहीं खाया ही नहीं। तो फिर कल सुबह ही मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे पर इतना जल्दी, अभी तो तुम आई हो। रुक जाओ ना पायल, अब तुम आती थी बातें करती थी कितना अच्छा लगता था। दीदी रुक जाइए ना। अरे पर अब मेरा काम खत्म हो गया है। तो क्या हुआ, तुम हमारे घर रुक सकती हो ना? आपके यहाँ? नहीं नहीं नहीं। क्यों, हमारा घर इतना छोटा है? बात बड़े छोटे की नहीं है, पर क्या पायल? छोड़िए ना, आपको बुरा लगेगा। बुरा नहीं लगेगा, अपनों की बातों का बुरा लगता है भला? सच कहूँ आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। परी वो तो मेरी छोटी बहन है, और आप मेरी पक्की सहेली, लेकिन ये गाय भैंसों के साथ मैं नहीं रह पाती, मैं कर ही नहीं पाती। पता नहीं आप लोग कैसे जी पाते हैं। ये है तभी तो हम जी पाते हैं। मतलब? इसके पापा चले गए तब परी बहुत छोटी थी, हम तीनों ही रहते थे इस घर में। परी तो छोटी थी, मैं तो जैसे सुन ही पड़ गई थी, किस पर भरोसा करूं किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तुम जिसे गाय भैंस कह रही हो ना, यही तो हमारा परिवार था। ये बोलते नहीं, और बोलते हैं तो शायद हम समझ नहीं पाते। पहले एक बात कहूं, तुम जाकर कभी इनके पास बैठना, ये प्यार जताते हैं पर शायद हम समझ नहीं पाते। ये कुछ ऐसा करते हैं कि आपका मनोबल बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात ये दगा नहीं देते। और सच कहूं इन पे इंसानों से भी ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। और सांची को तो मैं ऐसी बातें बताती हूँ जो मैं माँ को भी नहीं बता सकती। अरे ये नहीं बोलना था। पायल और कुछ लोगी? नहीं मेरा हो गया, अब मैं निकलती हूँ, बातों बातों में बहुत देर हो गई है। आज रहने दो ना पायल, कल तो तुम जाने वाली हो, और अभी तो ठीक से बात तक नहीं हुई। नहीं मुझे बहुत सारा सामान पैक करना है। सुबह कर लेना, अभी बहुत देर हो चुकी है। नहीं आप समझिए ना। दीदी रुक जाइए ना। ठीक है पायल, तुम्हें जैसा ठीक लगे। ठीक है नमस्ते। अरे आज फिर कुत्ते ने मेरी चप्पल वहां रख दी। दीपू तो है ही बड़ा शैतान। अरे पायल, पायल तुम ठीक हो? ठीक हो तुम?
क्या हुआ? परी जाओ खाट बिछाओ, पाल खड़ी हो जाओ। अरे खड़ी हो सकती है तू? आराम से हो, आराम से। पायल ज्यादा दर्द हो रहा है, कहाँ पर? परी जाओ हल्दी लेके आओ। पायल मेरी बात मान लो, रुक जाओ, तुम चल भी नहीं पाओगी। इससे ठीक हो जाएगा। हाँ पायल मेरी बात मान ले, कल सुबह चले जाना। पायल हम अंदर सो रहे हैं, कुछ चीज की जरूरत हो तो आवाज लगाना। ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? ये गाय, इसको इधर किसने बांधा? अगर मुझे यहाँ सुलाना था तो इसको कहीं और बांधते, कितनी गंदी है। पाये क्या हुआ? पता नहीं कुत्ते बहुत भूख रहे हैं और ये गाय भी पता नहीं क्यों। हाँ माँ देखो ना, अभी सांची भी कैसा अजीब बर्ताव कर रही है और ये कुत्ते भी कितना भौंक रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है माँ। मैं अभी चलो मेरे साथ। कोई तो था पर मेरे आने से पहले ही भाग गए। चोर थे? मेरा कुछ सामान तो चोरी नहीं हुआ ना? नहीं, आपका सारा सामान सही सलामत है। तो फिर वो सामान के लिए नहीं आए थे, शायद आपके लिए आए थे। अच्छा हुआ आप यहाँ पर नहीं सोए थे।
स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्री के श्लोक क्रमांक 142 में कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में अबोल प्राणी जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदि का पालन पोषण अपनी शक्ति के अनुसार अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सीख हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। चाहे मन मान बस इंसान तू बन जा।